पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, झूठी फिल्म। जी हाँ, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड और एक्सोडस की कहानी को झूठा बता रहे हैं, हंसी ठिठोलियां कर रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। शायद पैरेलल यूनिवर्स में किसी कश्मीर घाटी में बसे हैप्पी कश्मीरी हिंदू को देख के आए होंगे, या फिर यूं कहें कि झूमते पंजाब की जीत का नशा है। 32 साल बाद जो सच्चाई दुनिया के सामने इस फिल्म के माध्यम से आ रही है, जिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये त्रासदी हुई वो आज अपना दर्द दुनिया को बता पा रहे हैं। जो लोग अभी तक इतने खौफनाक जेनोसाइड से अनजान थे उनको पता चल पा रहा है कि पास हिस्ट्री में आखिर हुआ क्या था। और हंसी मजाक में मुख्यमंत्री जी ने सब झूठा बता दिया, पर जनता के करारे तमाचे से अब उनका नशा उतरा है और आ गए प्लाइंट मीडिया के सामने सफाई देने के लिए। हम कश्मीरी पंडितों पे थोड़ी हंसे, चलो भूल जाओ पुराना जो हुआ, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इम्पोर्टेंट है। आज अगर मैं केंद्र सरकार में होता मैं पिक्चर नहीं बनाता उनके ऊपर, उन सबका हाथ पकड़ के उनको कश्मीर ले जाके वहीं बसाता जहां से उनको विस्थापित किया गया था। धन्य हो प्लाइंट मीडिया, अपनी घिनौनी हंसी से खुद पे जितने दाग लगे दे प्लाइंट मीडिया उनको हटा के सर्फ एक्सेल की तरह काम कर रहा है, रगड़ने का, दाग छुपाने का काम कर रहा है। या फिर यूं कहें कि मतलब जितनी मटिया पलित की गई छवि को चमकाया जा रहा है, सफाइयां दी जा रही है। अब ये देखिए, ये आपने किया मुख्यमंत्री जी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने, मतलब यहाँ भी किसी और का क्रेडिट चुरा के अपना ठप्पा लगाओ। पूछने वाले भी मतलब आंख बंद करके मुख्यमंत्री जी की हर बात पर सहमति पे सहमति जताए जा रहे हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं। कश्मीरी हिंदू की आवाज को तो आपने झूठा बता दिया मुख्यमंत्री जी, पर जब पूरे भारत की जनता ने आपके कानों में चीखा है ना जोर से, तब शायद आप नींद से जागे और कवर अप करने के लिए पहुंच गए। पर ये पब्लिक है, सब जानती है।